जो आप मेरा मानना है कि बड़ी संख्या हियर को प्रयोग भी लोगों ने किया जिस प्रकार से वो इन्होंने इनके कमेंट अगर आप लोगों को मालूम होगा आप मीडिया के लोग बैठे हैं यहाँ पर इन्होंने जो कमेंट किए हैं सोनिया गांधी के ऊपर डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर राहुल गांधी के ऊपर इनके लोगों ने मोदी जी ने खुद ने अमित शाह जी ने और इनके नेताओं ने वो इतने हल्के कमेंट है कि अगर उनको वापस रिपीट करते तो राजनीति पता नहीं किस स्तर पर जाती देश के अंदर गुजरात को लेकर के हम उससे बचे हमने उनको कोई रिपीट नहीं किया आपने क्या किस दिन क्या कहा और ये बोलते रहे उसको उसका इनको फायदा मिल गया। मेरा मानना कि इन्होंने जो है पिछले 5-4 दिन में खाली मोदी जी मोदी चले और फिर आपने धजिया बढ़ा दी कोड़ों कनेक्ट की अरुण जेटली जी भी गए तो वहाँ प्रचार खत्म होने के बाद में कोई हक नहीं होता है मैनिफेस्टो डिक्लेयर करना है पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अमित शाह जी एयरपोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मोदी जी ने हद्दी कर दी प्राइवेट शो करके रोड शो कर रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन इंडिया को जाके कहा कि ये क्या तमाशा हो रहा है आप राहुल गांधी को तो दे रहे हो नोटिस मीडिया को नोटिस दे रहे हो कि मीडिया उसको दिखा नहीं सकता डराया धमकाया टेलीफोन के मीडिया वालों के यहाँ पर सब बंद कर दिए रुका दिए और आप इनको नोटिस नहीं दे रहे हो तो बजाय नोटिस देने के इलेक्शन कमीशन ने नोटिस विड्रॉ कर लिया बाद में इलेक्शन खत्म होने के बाद में ये कोई अच्छी परंपरा नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आप नोटिस विड्रॉ इसलिए कर रहे हो आपको नोटिस देना पड़ता प्राइम मिनिस्टर को वो बच नहीं सकते थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये मेरा मानना है। अशोक जी आप तो इतना चुनाव लड़े हैं लड़वाए हैं मतलब जहाँ तक मुझे याद है दो चुनाव पिछला 2013 का और 2008 का 2008 में जीते भी थे आपने इतना मंदिर नहीं घूमा होगा जितना इस बार आप खुद मंदिर घूम लिए राहुल जी के साथ ये मंदिर घूमने की परंपरा कहां से आ गई मतलब आप अपने चुनाव के लिए 2008-2012 में इतना मंदिर नहीं घूमे देखिए चुनाव में मंदिर घूमना कोई जरूरी नहीं होता है ठीक है जाके जाते हम लोग जाए या कोई जाएगा आप लोग भी जाते हो तो मंदिर जाते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कार्यकर्ता कहते हैं आपके साथी कहते हैं आपके घूमने भी गए तो चले जाते हैं। राहुल जी ने बड़े रिलीजियस तरीके से उन्होंने अपने आप को वहाँ मंदिर में जाकर के पूजा पाठ किया तो ये जो इनकी बीजेपी उससे डिस्टर्ब हो गई तो इसलिए हो गया ये क्या हो गया पूरे कैंपेन में डिस्टर्ब रहे कि राहुल गांधी जी बार बार मंदिर जा रहे हैं तो ये हमारे पास जो मुद्दा बनाने का था पॉलिश करने का वो मुद्दा इस बार बन नहीं पाएगा तो उन्होंने रास्ता नया निकाला कमेंट पकड़ लिया मणिशंकर जी को पकड़ लिया और उसको पूरा उन घुमाने का काम कर दिया। अगर वो कमेंट नहीं आते अगर वो कमेंट नहीं आते तो आप सिंपल मेजोरिटी तक पहुंच जाते आराम से हम तो चुनाव जीते हुए थे पर मैं ये मानता हूँ कि छोटी मोटी गलती भी हमसे हुई होगी कोई टिकटों में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है छोटी गलती तो चलती रहती है पर चुनाव जीतने की स्थिति में कांग्रेस थी इसमें कोई दुरा नहीं। अभी भी मेरा मानना जो कुछ भी हुआ है बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई तो मेरा मानना है मार्च से गुजरात से इस चुनाव पहले लोग मानते थे कि जब से चुनाव जीते मोदी जी तब से लोगों की धारणा बन गई देश के अंदर 10 साल बोल्ड 10 साल तो मोदी जी रहेंगे प्राइम मिनिस्टर ये मिथ जो था मिथ अब टूट गया है गुजरात चुनाव के बाद।